और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति गुरप्रीत सिंह से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के डायरेक्शन पर। हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया, उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए, इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई इसलिए। और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है खेती बाड़ी की, उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को, उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर, कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते दो साल नहीं हुआ। उस मायने में सर, प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रधानमंत्री का डिग्रिया लोगों को देंगे? मेरे समझ से 2300 से ऊपर, आपने बताया 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियाँ प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व हमें सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर वन पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है, और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है, हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है, और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ मारालो डीडी न्यूज़।